हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो लेक्चर इज़ फॉर डिप्लोमा थर्ड सेम स्टूडेंट्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ई कॉमर्स बाय मिस नीलम शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दुर्ग। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने डिजिटल कैश और ई चेक पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, उसमें है क्रेडिट कार्ड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं आप भी जानते हैं, आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो डेबिट कार्ड होते हैं, जो हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं उनको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट जो है उसमें रहता है, जो कि हम कुछ भी खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। आपको भी पता है, जनरली सबको पता रहता है कि क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट यह है, उसके अंदर कुछ लिमिट रहती है पैसों की। जैसे किसी की क्रेडिट कार्ड में 20,000, 50,000, 70,000, लाख, करोड़, आपकी इनकम के हिसाब से बैंक आपको लिमिट देता है क्रेडिट कार्ड के अंदर। उस लिमिट के अंतर्गत आप जितना चाहे उतना पैसा खर्च करके, उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप सामान खरीद सकते हैं, और पेमेंट के लिए आपको 50 डेज़ मिलते हैं। जैसे कि बिल जनरेशन का जो भी डेट रहता है आपका, उसके अंतर्गत फिर आपको टाइम मिलता है कि पहले आप शॉपिंग कर लीजिए और बाद में आप उसके पैसे दे दीजिएगा। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा यही है। तो क्या है क्रेडिट कार्ड? एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, बैंक या बिजनेस ऑथराइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है, जिसको हम गुड्स और सर्विसेज बाय करने के लिए रख सकते हैं। इसको चार्ज कार्ड्स भी बोलते हैं, प्लास्टिक कार्ड भी बोलते हैं, चार्ज कार्ड भी बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 87 में एडवर्ड बेलमी के द्वारा लाया गया था इन इज यूटोपियन नॉवेल लुकिंग बैकवर्ड। साइज ऑफ मोस्ट क्रेडिट कार्ड इज 85.60 × 53 × 98 mm। एलिजिबिलिटी क्या है? बिना एलिजिबिलिटी के क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। किसी बैंक में सेविंग्स या करेंट अकाउंट होना चाहिए। एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो बैंक के पास होनी चाहिए। उसकी स्टेटमेंट जो है मंथली इनकम का, वो देखा जाता है, आप कितना कमा रहे हैं, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके सोर्स ऑफ इनकम्स क्या हैं, परमानेंट है कि टेम्पररी है, ये सारी चीज़ों से आपको जज किया जाता है, और उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। जो क्रेडिट कार्ड पे पर्टिकुलर्स डिस्प्ले होते हैं वो कुछ इस तरह है, आपके पास भी कार्ड होगा, आप चेक कर सकते हैं। नेम ऑफ कस्टमर, कार्ड का नंबर, वैलिडिटी डेट, होलोग्राम, वीसा का या वीज़ा मास्टर का है तो मास्टर का, इशूइंग बैंक का नेम, सिग्नेचर, पीरियड, मैग्नेटिक स्ट्रिप और पिन तो नहीं डिस्प्ले होता। अब 16 डिजिट जो है कार्ड की, उसका मतलब क्या होता है? तो जो पहली डिजिट है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री आईडी, जो बाकी की 5 डिजिट्स हैं वो इशुअर आईडी होती है, और जो बाकी के बचे 10 डिजिट वो होता है आपका अकाउंट नंबर, वो भी चेकसम में। अब कितने टाइप के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, देखिए यहाँ तो एकदम भरमार लगी हुई है। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो बहुत सारे टाइप के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। बेसिकली जो 5 इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं, बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रेडिट रिकवरी, बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ क्रेडिट कार्ड, ज्योग्राफिकल वैलिडिटी, फ्रेंचाइजी टाइप और इशुअर कैटेगरी। अब क्रेडिट रिकवरी के अंदर आते हैं 2 टाइप के कार्ड, जिसमें होते हैं चार्ज और रिवॉल्विंग। उसके बाद आता है आपका स्टेटस में स्टैंडर्ड, बिजनेस और गोल्ड कार्ड। ज्योग्राफिकल वैलिडिटी के अंदर आता है डोमेस्टिक कार्ड और इंटरनेशनल कार्ड। फ्रेंचाइजी के अंदर आता है प्रॉपर्टी, मास्टर, वीज़ा और डोमेस्टिक टाइप। इशुअर कैटेगरी में आता है इंडिविजुअल और कॉरपोरेट कार्ड्स। अब इनके थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो चार्ज कार्ड क्या होता है?
अ कार्ड दैट चार्जेस नो इंटरेस्ट बट रिक्वायर्स अ यूजर टू पे हिज और हर बैलेंस इन फुल अपॉन रिसिप्ट ऑफ द स्टेटमेंट यूजुअली ऑन अ मंथली बेसिस. While it is similar to a credit card, the major benefit offered by a charge card is that it has much higher, often unlimited spending limits. तो चार्ज कार्ड का मतलब ये है कि यूज़र को कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता एक्स्ट्रा. बस यूज़र को ऐसा है कि अगर आपने महीने की शॉपिंग की है और उसका बिल जब जनरेट हो रहा है तो आपको वो पूरा बिल उस महीने में पे कर देना है, जब भी आपका बिल जनरेट होगा. रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अ लाइन ऑफ क्रेडिट वेयर द कस्टमर पेज अ कमिटमेंट फी एंड इज देन अलाउड टू यूज द फंड्स व्हेन दे आर नीडेड. इट इज़ यूजुअली यूज फॉर ऑपरेटिंग पर्पसेज, फ्लक्चुएटिंग ईच वन डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स करंट कैश फ्लो नीड्स. तो रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट रहती है, कस्टमर जो है वो कमिटमेंट फी की तरह देता है और उसके बाद ही उसको खर्च करने के लिए ऑथेंटिकेशन मिल पाता है. बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं अगर आपको कैश की शॉर्टेज हो गई कभी तब. स्टैंडर्ड कार्ड जो है वो जनरली इशूड क्रेडिट कार्ड होता है जो हम सब यूज़ करते हैं. बिजनेस कार्ड जो है वो पार्टनरशिप फंड्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और एग्जीक्यूटिव के लिए होता है. गोल्ड कार्ड होता है फेवरेट क्लाइंट्स के लिए, जैसे आप किसी बैंक में बहुत ज़्यादा पैसों का ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं तो बैंक आपको अपना फेवरेट कस्टमर करार देता है और फिर आपको वो गोल्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं जिसमें सब इंश्योरेंस कवर और ओवरड्राफ्ट्स भी रहते हैं. डोमेस्टिक कार्ड जिसमें जो कि सिर्फ इंडिया और नेपाल में वैलिड है उसको हम डोमेस्टिक कार्ड बोलते हैं. इंटरनेशनल कार्ड वो जो पूरे इंटरनेशनली ग्लोबली एक्सेप्टेड है वो इंटरनेशनल कार्ड. प्रॉपर्टी कार्ड एक पर्टिकुलर बैंक जो है वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर अगर इशू करता है, जैसे कि SBI का कार्ड है वो सिर्फ SBI के लिए होगा, कैनरा बैंक का कार्ड है तो कैन कार्ड होगा. मास्टर कार्ड क्या होता है? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मास्टर कार्ड इंटरनेशनल, इसके अंदर जो आया वो मास्टर कार्ड है. वीज़ा कार्ड जो है वो वीज़ा इंटरनेशनल के अंदर है. डोमेस्टिक टाई अप कार्ड किसी डोमेस्टिक केयर ब्रांड से, जैसे कि कैन कार्ड, इन कार्ड, ये सब से अगर टाई अप हो गया ऐसे कार्ड तो उसको डोमेस्टिक कार्ड टाई अप कार्ड बोलेंगे. इंडिविजुअल कार्ड्स नॉन कॉरपोरेट जो कि इंडिविजुअल्स को मिलता है जिनका कोई बिजनेस नहीं है, जिनका कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है, वो होगा आपका इंडिविजुअल कार्ड. कॉरपोरेट कार्ड जो होता है वो बिजनेस फॉर्म से रिलेटेड रहता है. और भी टाइप के कार्ड्स यहाँ पे हैं, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड्स है, प्राइवेट लेबल कार्ड है, एफिनिटी ग्रुप कार्ड है. अ कार्ड होल्डर मेक्स परचेज एंड प्रेजेंट इट टू द मर्चेंट इंस्टीड ऑफ कैश. द रिटेलर विल चेक द नंबर ऑन द कार्ड एंड ही विल टैली सिग्नेचर ऑफ वाउचर एंड क्रेडिट कार्ड. वाउचर्स आर सेंड टू बैंक्स विच इन टर्न रीएम्बर्सेस इट फॉर द कस्टमर्स परचेज. तो कार्ड होल्डर कार्ड देता है, फिर जैसे हम कैश नहीं रखे कहीं जाते हैं आज की रेट में तो हम कैश नहीं रखते तो हम अपना कार्ड देते हैं. वो कार्ड अगर स्वाइप करना है तो स्वाइप करेगा, नंबर एंटर करना है तो कार्ड का नंबर एंटर करेगा, OTP आएगा, टैली करेगा और सारी चीज़ें वैसे प्रोसेस होगी जैसे नॉर्मली होती है. साइकिल क्या है क्रेडिट कार्ड का? सबसे पहले हम सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान हमको डिलीवर होता है, क्रेडिट कार्ड लिया जाता है. मर्चेंट डिलीवर्स गुड्स आफ्टर टेकिंग एन ऑथेंटिकेटेड क्रेडिट कार्ड एंड नथिंग द नंबर एंड टेकिंग सिग्नेचर ऑन सर्टेन फॉर्म्स. फिर क्या होता है, वो मर्चेंट बिल रेज करता है और बैंक को भेज देता है, बैंक बिल रेज करता है और हमको भेज देती है और फिर हमको उसका पेमेंट करना पड़ता है. तो अगर आपके पास कैश नहीं है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप सोच रहे हैं कि 15 दिन बाद आपके पास पैसे आएंगे लेकिन अभी आपको कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. मैकेनिक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन. कार्ड जो है वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है ना, तो इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड
पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिट कार्ड के लिए, फिर इशू होता है, फिर पेमेंट होती है। अगर कार्ड मिल जाता है तो मर्चेंट स्टैब्लिशमेंट फिर चार्जिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड रेजिंग बिल्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वो मर्चेंट क्या करता है, वो बिल सबमिट करता है मर्चेंट के बैंक में, और वो मर्चेंट का बैंक फिर कार्ड इशूइंग बैंक में अपना सारा स्टेटमेंट भेजता है, और फिर वो बैंक यूज़र को बोलता है कि आपने ये ख़रीदा था, इसका बिल जनरेट हो गया, अब आपके पास इतना समय है, आप पेमेंट कर सकते हैं। एडवांटेजेस जो हैं कार्ड होल्डर्स के लिए, कन्वीनियंट है, सिंपल है, कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खरीदिए और बाद में पैसा दीजिए, इसकी पॉलिसी है। हेल्पलाइन भी अवेलेबल है। मर्चेंट्स के लिए क्या है, गारंटीड पेमेंट है, सिक्योरिटी का रिस्क कम है, विजिटर जो है वो फ्री महसूस करता है, बार बार आता है कि उसको लगता है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलता है तो अच्छी बात है, हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। कंपनीज को क्या है, ज्वाइनिंग फी मिलती है उनको, सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाता है, वो कार्ड का चार्जेस लेते हैं, जैसे कि आपने एकदम लो लेवल का क्रेडिट कार्ड लिया तो उसके चार्जेस जनरली नहीं लगते हैं, लेकिन हाई लेवल के क्रेडिट कार्ड जिसमें ऑफर्स रहते हैं, अगर वो हम जब लेते हैं तो उसकी जो फीस है हर महीने की 500 से 600 रुपये रहती है, सॉरी हर महीने नहीं, हर साल की, सालाना जो उस कार्ड का चार्ज है वो बैंक वसूल करता है, रेवेन्यू लेता है वो हमसे, और हम उस कार्ड से शॉपिंग करते हैं और अगर उसको EMI में ट्रांजेक्ट करते हैं तो फिर उस पर भी वो ब्याज लेता है हमसे। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब वो तो सिंपल सी बात है कि कार्ड खो गया तो दिक्कत हो सकती है, रिटेलर्स को भी कभी कभी पैसा देना पड़ जाता है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के चक्कर में, डेब्ट और फ्रॉड का खतरा हमेशा बना रहता है। सेफ्टी टिप्स जो है आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए, आप हमेशा अपने कार्ड में सिग्नेचर करके रखिए, कार्ड को इधर उधर मत छोड़िए, अनयूज अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए, अपना अकाउंट नंबर मत दीजिए किसी को भी, अपने जितने भी कार्ड्स हैं उनकी लिस्ट हमेशा अपने पास रखिए, और लॉस्ट और स्टोलन कार्ड्स को रिपोर्ट करिए पुलिस स्टेशन। तो ये सारे सेफ्टी पर्पस से अगर हम देखें तो हमको क्रेडिट कार्ड्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम लो कैश चल रहे हैं तो उस वजह से अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये था क्रेडिट कार्ड का सिस्टम, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस।